आई एम एस पी मिश्रा एंड आई वेलकम यू। आज मैं दो शब्द लाया हूं आपके लिए, फूलना फुलाना, अंग्रेजी अलग अलग, देखें किस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनती है। फूलना फुलाना, गुब्बारे फुलाना, मुंह फूल जाना, मेरा हाथ फूल गया, सूजन आ गई, यानी उसका हाथ फूल गया तो इस तरीके से, पैर पर सूजन आ गई, पैर फूल गया, मुंह पर सूजन आ गई, मुंह फूल गया, तो इस तरीके से जब यह अंग्रेजी बनेगी तो देखें क्या क्या अंग्रेजी बनती है इसकी। टू स्वेल, टू बी पफ्ड अप, टू बी ओवर जॉयड। मैंने सबकी दिए अलग अलग इस्तेमाल है इनका, सबका, इन शब्दों का। मेरा हाथ फूल गया, माई हैंड वॉज स्वेलन, टांग फूल गई, माई लेग वॉज स्वेलन, इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी। कोई भी अंग सूज जाए, सूजन आ जाए उस पर, फूल जाए, सूजन आ जाए, तब स्वेलन का इस्तेमाल होगा। उसका पेट फूल रहा है, हिज बेली इज स्वेलिंग, बेली माने पेट। वह खुशी से फूल गया, अब अंग्रेजी बदल जाएगी। ही वॉज पफ्ड अप विद जॉय, वो खुशी से फूल गया, फूल का कुप्पा हो गया, अंग्रेजी यही बनेगी। ही वॉज पफ्ड अप विद जॉय, वह फूल कर खुशी से कुप्पा हो गया। अब देखें फूला ना समाना की अंग्रेजी क्या है। फूला ना समाना, खुशी से आदमी फूला नहीं समाता, फर्स्ट डिवीजन आ जाए या जॉब मिल जाए कोई बढ़िया, फूला नहीं समाता, कहीं बढ़िया नौकरी में सिलेक्शन हो जाए, फूला नहीं समाता। फूला ना समाना, टू बी ओवर जॉयड, इसकी अंग्रेजी बनेगी। वह फूला नहीं समा रहा था, ही वॉज ओवर जॉयड, वह फूले नहीं समा रही थी, शी वॉज ओवर जॉयड, मेरा दोस्त फूले नहीं समा रहा था, माई फ्रेंड वॉज ओवर जॉयड। फूला नहीं समा रहा है, तब इज लग जाएगा वॉज की जगह, माई फ्रेंड इज ओवर जॉयड, मेरा दोस्त फूला नहीं समा रहा है, माई ब्रदर इज ओवर जॉयड, मेरा भाई फूला नहीं समा रहा है। अब देखें फुलाना, फुलाने की अंग्रेजी, जैसे गुब्बारा फुलाना है, गाल फुलाना है, दो ही चीज फुलाते हैं हम, गाल फुलाते हैं, गुब्बारे फुलाते हैं। देखें इनफ्लेट अंग्रेजी आएगी, इनफ्लेट गुब्बारा फुलाने में, पफ आउट ये गाल फुलाने में आएगी। देखें बच्चे गुब्बारे फुलाते हैं, चिल्ड्रन इनफ्लेट बलून्स, मैं गुब्बारा फुलाता हूं, आई इनफ्लेट बलून्स, मैं गुब्बारा एक है तो ऐसा हट जाएगा, बलून हो जाएगा केवल। हम गुब्बारे फुलाते हैं, वी इनफ्लेट बलून्स, वे गुब्बारे फुलाते हैं, दे इनफ्लेट बलून्स, इस तरीके से। कोई भी चीज में जब आप हवा भरते तो इनफ्लेट शब्द का इस्तेमाल होगा। अब देखें वह अपना गाल फुलाता है, और बच्चे जो है वो गाल फुला के उस पर मारते हैं, गाल फुलाने की अंग्रेजी क्या है। ही पफ्स आउट हिज चीक्स, वह अपना गाल फुलाता है, द गर्ल पफ्स आउट हर चीक्स, लड़की गाल फुलाती है, और बच्चों के लिए लिखना है चिल्ड्रन पफ आउट देयर चीक्स, वे बच्चे अपने गाल फुलाते हैं। अब देखें वाई आर यू पफिंग आउट योर चीक्स, तो अपने गाल क्यों फुला रहे हो, क्या मतलब है क्यों फुला रहे हो फालतू में। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।